दोस्तों आपने कई बार YouTube, Facebook या Twitch पर लाइव स्ट्रीम तो किसी न किसी की देखी होगी, या फिर आप जानना चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम में आखिर की कैसे जाती है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आप लाइव स्ट्रीम कैसे करें। मान लो आप कोई लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, मान लो आप कोई डेस्कटॉप है उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा आप अपने जो वेबकैम के जरिए उसे खुद को सेल्फ रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम कैसे होती है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अपने YouTube, Facebook या Twitter पर किसी न किसी की लाइव स्ट्रीम देखी होगी। आज बात करते हैं कि आप ये लाइव स्ट्रीम खुद कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको YouTube पर या Facebook पर या Twitter पर कोई लाइव स्ट्रीम करनी है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पीसी का में ले रहे हैं तो आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि OBS स्टूडियो। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको इसमें अपने जो जिस ईमेल से आप साइन इन करते हैं, यानी मान लो आपने किसी अपने ईमेल से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको उस ईमेल से साइन इन करना होगा। अगर आप ट्विच की लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको ट्विच वाले की देते हैं, वो आपको इस सॉफ्टवेयर में डालनी होगी। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर का में लेते हैं, चाहे वायरकास्ट हो जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर स्प्लिट हो सकता है, अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर का में ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो यूट्यूब वाले की देते हैं वो डालनी होगी। अब बात करते हैं कि आप मान लो OBS ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आपको अपने जो ईमेल है उसे साइन इन करना होगा। जैसे आप ईमेल साइन इन करते हैं आपको नीचे सीन बनाने होते हैं। जैसे आप उन सीन को बना लेते हैं, मान लो आपको डेस्कटॉप रिकॉर्ड करना है तो आप उसमें डेस्कटॉप का सीन जोड़ सकते हैं। आपको कोई दूसरा डिवाइस रिकॉर्ड करना है तो आप उसके अंदर जो कैप्चर कार्ड आता है वो लगाकर उस डिवाइस को उसे अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका जो वेबकैम है उसे उसमें चूज कर सकते हैं, उसकी फ्रेम अलग से जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो चैट साइड में चले तो उसके लिए उसमें अलग से टूल दिए जाते हैं। जानने की आप OBS की ऑफिशियल साइट में जाइए, वहाँ पर जाकर अपने जो आईडी है वो डालिए, यानी कि जिस ईमेल से आप साइन इन करते हैं उसकी वो पूरी चैट वहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो जो लोग जितने चैट होते हैं वो वहाँ पर जाएगी। उसको आपको एक URL कोड दिया जाएगा, उस कोड को आप अपने जो OBS स्टूडियो उसमें डालिए। जैसे आप वो कोड उसमें डालते हैं आपकी चैट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसका आप चैट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो चैट होती है उसमें आप देखा होगा कि जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब मान लो कि आप चाहते हैं कि आपने खुद की स्क्रीन रिकॉर्ड की, यानी वेबकैम से आप उसका पीछे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पीछे ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए होगा। उसमें आपको OBS में आपको क्रोमा की मिल जाती है, यानी कि ग्रीन इफेक्ट की मिल जाती है, जिससे आप ग्रीन बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। ये है OBS स्टूडियो। इसी OBS स्टूडियो जो आप इस YouTube लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ये जो OBS स्टूडियो आपको फ्री मिलता है, जो वायरकास्ट या फिर एक्सिस स्प्लिट ब्रॉडकास्टर है इसके आपको पैसे देने होते हैं, मगर जो OBS स्टूडियो ये एकदम पूरी तरह से फ्री है और ये एक अच्छा टूल है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको पता चल चुका होगा कि आप YouTube, Facebook या Twitter पर लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।